हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सबके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2020 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा में अब लगभग एक महीने का समय बचा है और इस एक महीने के समय को आप किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आप अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब हो, आज की चर्चा इसी पर होने वाली है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम सब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी सटीकता के साथ। स्टूडेंट्स, इस बात से तो आप सभी अवगत होंगे कि क्लास 12 बोर्ड की परीक्षा आपकी मंजिल की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी है। इस परीक्षा का इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हो कि राह चलता कोई व्यक्ति आपसे अगर कभी जानना भी चाहेगा तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स जानना चाहेगा, ना कि वह आपसे पूछेगा कि आपने क्लास 1 या क्लास 2 में कितने मार्क्स हासिल किए थे। यहाँ तक कि नीट या जेईई मेन की परीक्षा में भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें होता है कि आपको कम से कम 40% या 50% मार्क्स क्लास 12 में लाने होंगे। इसीलिए क्लास 12 बोर्ड की परीक्षा को ना तो आप हल्के में ले सकते हैं ना ही इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। जब बोर्ड की परीक्षा में केवल एक महीना शेष हो तो आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी किस प्रकार की होनी चाहिए और क्या है वे 3 गोल्डन पॉइंट्स जिसे फॉलो करके आप इस परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं, चलिए अब इस पर बात करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी की दिशा में सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए कि आप अपने बुक्स की लिस्ट को सीमित कीजिए। यानी अगर आपने साल भर केवल और केवल साइड बुक्स यानी रेफरेंस बुक पर फोकस किया है तो अब समय आ चुका है जब आपका फोकस केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबों पर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप किसी साइड बुक से करते हो तो कई बार आप अपने सिलेबस के दायरे से बाहर जाकर कई एक्स्ट्रा टॉपिक्स को याद कर लेते हो जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे में आपके बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है जिससे आप आसानी से बच सकते हो। एडिशनली जब आप एनसीईआरटी की किताबों से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो इसका बेनिफिट आपको नीट और जेईई मेन जैसे एंट्रेंस एग्जाम के दौरान होता है जहां पर अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं। एनसीईआरटी की किताबों का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या महत्व है ये तो मैंने आपको बतला दिया, लेकिन अभी भी आपको अपने आसपास में कई ऐसे छात्र या दोस्त मिल जाएंगे जिन्होंने एक साल बीतने के बाद भी एग्ज़ाम इतने पास आने के बाद भी एनसीईआरटी की किताबों को ख़रीदा ही नहीं है। ऐसे छात्रों को मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप आखिरी के एक महीने में अपने पूरे सिलेबस को एनसीईआरटी से कवर कर लो, क्योंकि वह पॉसिबल ही नहीं है। बायोलॉजी में 16 चैप्टर, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर, फिजिक्स में 16 चैप्टर जो साल में कवर नहीं हो पाया वो आखिरी के एक महीने में कवर कैसे हो सकता है। ऐसे छात्रों को मैं कहूँगा कि अब समय आ चुका है जब आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, यानी एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। जैसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, या फिर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी या जेनेटिक्स, और केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को कवर करना होगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें अगर नहीं सूट कर रही है तो आप एनसीईआरटी पर कम्प्लीटली बेस्ड किताबों को भी रेफर कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम आइडिया, टुगेदर विथ, इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, और करीब एक महीना का समय बचा है तो अपना सारा फोकस इन किताबों पर रखिए, क्योंकि ये किताबें पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और ये आपको अपने एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगी। चलिए, मैंने मान लिया कि आज के बाद आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दोगे और एनसीईआरटी की किताबों से अपनी तैयारी शुरू कर दोगे, लेकिन याद ही करना आपका एक ड्यूटी नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान, क्योंकि आंसर याद कर लेने का एक कतई मतलब नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठकर आप हूबहू ऐसे ही आंसर कॉपी में लिख दोगे, क्योंकि आंसर से याद करना अलग कला है और आंसर को ब्यूटीफुली लिमिटेड समय में लिखना एक अलग आर्ट है। तो आपको इस आर्ट में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। ये प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, तो आपको नियमित रूप से सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। आज किया है सैंपल पेपर सॉल्व, कल मौका नहीं मिलता है तो परसों करो, लेकिन आपको रेगुलरली एक सैंपल पेपर सॉल्व करना ही चाहिए। इसकी शुरुआत तो आप सबसे पहले अपने बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सॉल्व करके कर सकते हो, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, सब बोर्ड अपने छात्रों के लिए मॉडल पेपर जारी करते हैं। इन मॉडल्स पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा ये आप मॉडल पेपर से ही समझ सकते हो,
और जब आप रेगुलर सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो इसका एक बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखने के साथ ही आपके हाथ आंसर शीट पर खुद ब खुद चलने लगेंगे। आपको आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि उसी क्वेश्चन को सैंपल पेपर सॉल्व करने के दौरान अपने घर पर आपने कई बार सॉल्व किया होगा। अगर आपके पास सैंपल पेपर नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैंपल पेपर्स का लिंक दिया है, जिसे आप ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। ध्यान रहे कि सैंपल पेपर सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा है जिन्हें आंसर आता था लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में वे 15 नंबर या 20 नंबर का आंसर नहीं लिख पाए, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचा। और इसका मुख्य वजह था कि उन्होंने कभी अपने घर पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जिन सैंपल पेपर्स का लिंक दिया है वो कम्प्लीटली NCERT पर बेस्ड हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप CBSE के हो या बिहार बोर्ड के हो। आपको इन सैंपल पेपर्स को अच्छे तरीके से हल करना चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है इसका अंडरस्टैंडिंग अभी से ही आ जाए। सैंपल पेपर सॉल्व करने के साथ ही आप सभी को बीते 5 सालों में बोर्ड द्वारा पूछे गए सवालों को भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप किसी चैप्टर को याद करते हो तो क्या आपको 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आप उस याद किए गए चैप्टर को अब भूल रहे हो? ऐसा क्यों होता है? ये समस्या क्योंकि आप ही तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इस पर केवल आप ही का कॉपीराइट नहीं है। ये समस्या सभी को होती है या किसी को भी हो सकती है, लेकिन कामयाब वही छात्र होते हैं जो कि अपने इस समस्या से जूझना सीख जाते हैं, इस समस्या से सफलतापूर्वक जूझते हैं। कैसे जूझते हैं? रिवीजन करके। रिवीजन ही आपका तीसरा गोल्डन पॉइंट है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। आप कुछ भी याद करो लेकिन आपको उसे रिवाइज करते रहना है। आपको हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप याद किए गए चैप्टर्स को रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे तो आप हो सकता है रोज़ नए नए चैप्टर्स याद करते जाओ, लेकिन पीछे से आपके दिमाग से पहले याद किए गए चैप्टर्स डिलीट भी होते जाएंगे। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? एग्जामिनेशन पास में आ जाएगा और आप पहले याद किए गए सारे चैप्टर्स भूल जाओगे, और नए याद किए गए चैप्टर से आप ज़्यादा मार्क्स ला नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया अच्छे तरीके से, आप एग्जामिनेशन में बेहतरीन प्रदर्शन कैसे कर सकते हो या बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसीलिए रिवीजन को अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में आपको एक विशेष स्थान देना होगा, यानी हर दिन रिवीजन के लिए आपको समय निकालना होगा। और जो चैप्टर आपने आज याद किया है उसे 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, 1 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज करो और 2 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज करो। कम से कम 3 से 4 बार जब आप एक ही चैप्टर को याद करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको भूलने की समस्या तो नहीं हो पाएगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ये थे 3 गोल्डन पॉइंट्स, जिसका पालन करके आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।